यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुल्लू कॉलेज में नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 से 30 जून तक चलने वाले दाखिले के लिए अब तक 1410 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने रैगिंग रोकने के लिए 10 सदस्यों की कमेटी का भी गठन किया है और नए विद्यार्थियों को अपने छात्र संगठन से जोड़ने के लिए एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई ने कॉलेज परिसर में मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए हैं। आपको बता दें कि कॉलेज की पहली मेरिट लिस्ट 25 जून को जबकि दूसरी मेरिट लिस्ट 29 जून को निकाली जाएगी। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नंदलाल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार 30 जून तक ही दाखिला लिया जाएगा। 3 दिनों में ही हमारे महाविद्यालय में 1410 आवेदन आ चुके हैं और अभी 2 दिन में और आवेदन आने हैं। हर जो हमारा विषय है उसमें मेरिट बेस पर जो है प्रवेश होगा और 80 सीटें हैं, 80 सीटों के लिए जो है मेरिट बनाई जाएगी। अभी कल और परसों भी बच्चों से आवेदन जो है वो लिए जाएंगे, 22 और 23 को भी आवेदन लिए जाएंगे और 25 जून को जो है वो पहली मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी, तो उसके हिसाब से जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर जो है प्रवेश दिया जाएगा।